इंडियन एयरफोर्स डे 2023 वायुसेना का संगम पर एयर शो मिलेगा नया ध्वज। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाओं का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत अपना 91वां वायुसेना दिवस मना रहा है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, जिसके बाद इस दिन को प्रत्येक वर्ष इसी तारीख को मनाया जाता है। आज 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हो गया है। ये एक ऐतिहासिक दिन है जब वायुसेना को अपना नया ध्वज मिला है। बता दें कि नौसेना द्वारा अपने औपनिवेशिक अतीत को छोड़कर ध्वज में बदलाव करने के एक साल से अधिक समय बाद वायुसेना ने यह कदम उठाया है। वायुसेना के नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना का चिन्ह भी है। भारतीय वायुसेना दिवस के कार्यक्रम की थीम इस बार AIF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज यानी कि भारतीय वायुसेना सीमाओं से परे वायुसेना निर्धारित की गई है। संगम क्षेत्र में एयर शो का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेहद शानदार और आधुनिक चिनुक, चेतक, जगुआर, अपाचे, राफेल समेत कई विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कोई आसान काम नहीं है। आसान नहीं, आसान। Paramotor is an ultra-light flying machine in which a motor of 26 horsepower is attached. Inflate the paraglider, run for a few steps and get airborne with the help of an engine and propeller mounted on his back. They can get airborne from any open ground. इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।